वायरस वायरस शेट्टी जूनियर आ गया। ढूंढ रहा है ये, लगता है उसके चिल्ले ढूंढ रहा है। ओ मैं क्या सत श्रीकाल पाजी, तोड़ी कोई चीज खो गई है? हाँ, ये मेरा रुमाल तुम्हारे पास कैसे आया मियां? रुमाल? चलो चलो आगे से देखते। चलो चलो चलो, कहाँ जा रही हो? आगे से देखने पुष्पा जी। अरे गाड़ी के आगे से। तो पुष्पा जी गाड़ी के आगे से यहाँ से भी तो जा सकते हैं ना। यहाँ से चल, तू यहाँ से देखो, जाओ। ओ जी की गल कर दे हो। ओ जी रुमाल के पैर लगे हैं जो चल के मेरे पास आ जाएगी। ओ जी ये तो मैंने खरीदा है पैसे देके। झूठ नक को बोलो मियाँ, यापुन का रुमाल यहाँ गिरा तुम उठा लिया, अभी अभी हमको वापस दो हमारा रुमाल। अरे 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 जबरदस्ती ना करो। अरे क्या बोल रहे हो, क्या जबरदस्ती है? अरे मेरी माँ दी आखिरी निशानी है, छोड़ो। अरे झूठ नक्को बोला, ये मेरा रुमाल मेरे को वापस नहीं दिया तो मेरी पोटी की कसम ये तुम्हारी आखिरी निशानी होएगी मियाँ। अरे छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। जी कह रहे हमसे पंगा ना लो, समझ में नहीं आता एक बार बोला तो। हे महाकाल, क्यों लड़ रहे हो बच्चा? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाओगे? उना को बोलो हमारा रुमाल होना। ओ जी मेरा रुमाल है ये। अरे अपन का रुमाल होना। बच्चा, जो कल किसी और का था आज किसी और का है और कल किसी और का होगा, ये रुमाल उसे वापस दे दे। ओ ना जी ना, ये दे दे उसे रुमाल, दे दे उसे ये रुमाल। ले फट तेरा रुमाल, पतंग बना के घूम अभी से। जय महाकाल, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाओगे? वायरस शेट्टी सीनियर। वायरस शेट्टी जूनियर। ओ क्या बात, क्या बात। ओ बाजी अपना असली रूप तो दिखा दो। पहले धंधे की बात करें, तुम जो इंटरनेशनल डिग्री का धंधा करते हो वो सिर्फ लाखों और करोड़ों का नहीं है बल्कि अरबों और खरबों का है। अगर हमसे दोस्ती करोगे तो फायदे में रहोगे, मंजूर है तो हाथ मिलाओ। ओ जी नेकी और पूछ, वो पक्का जी पक्का, लेकिन पहले लिखाई पढ़ाई होगी पक्की वाली, अग्रीमेंट बनेगा फिर कुछ और। बढ़िया, कल इसी वक्त इसी जगह एग्रीमेंट पेपर के साथ, मंजूर? ओ बढ़िया जी बढ़िया, अब तो हम बिजनेस पार्टनर हो गए। और लेकिन अब तो असली रूप ना दिखाना पड़ेगा। असली रूप भी दिखा देंगे कल एग्रीमेंट साइन होने के बाद। ओ जी चलो, है भी बढ़िया। मैडम सर, मैडम, मैडम सर, मैडम सर, हेलो हेलो। सुन, वो जो रुमाल के लिए आपके साथ लड़ रहा था ना बंदा, वही आपके पीछे आ गया है, उसके पास बंदूक भी है। डेंजर डेंजर, निकलिए वहां से, निकलिए। ओ जी देखो, मैनू लग रहा है खतरा है, तुसी भागो। चलो 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 चलो। आज नहीं तो कल से। जैन मैडम सर, करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग। कैसी चल रही है आपकी तलाश वायरस शेट्टी जूनियर की? तलाश जारी है मैडम सर, मिल जाएगा। आपने तलाश की? कुछ हाथ पैर चलाए, देखते क्या होता है। पुष्पा जी, हमारी रिपोर्ट की सारी डिटेल्स इन्हें दे दीजिए, हो सकता है इन्हें कुछ मदद मिल जाए। यस मैडम सर। और ये फाइल एक बार जरा आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये संतोष शर्मा ने बनाई है। जी मैडम सर। डिटेल, कल तक वायरस शेट्टी जूनियर करिश्मा सिंह की गिरफ्त में होगा, फिर वायरस शेट्टी से लीजिएगा जितना डिटेल लेना है। डायन
कैसी हो? बढ़िया सा? खून पिया अपने पति का अच्छे से? सुनो सुनो, तुम गाने सुनो। अच्छा है तुम हमको नहीं सुन पा रही हो। अपनी भड़ास निकालने का इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा हमको? एक बात बताते हैं हम तुमको, तुम ना बहू नहीं हो। बहू नहीं हो तुम, हमारे लल्ला के पिछले जन्मों का श्राप हो तुम, उसकी कुंडली पर बैठा काला नाग हो तुम, अनजाना पाप हो तुम, किस्मत पर बदकिस्मती की छाप हो तुम। क्या देख रही हो मनहूस? खाएगी हमको? हाँ? जी तो करता है ना कि बाल पकड़ के सिलवट्टे पे रख के बट्टे से किसी दिन ऐसा कूटे ना हम तुमको कि तुम्हारी चटनी भी नसीब ना हो किसी को। सोच करी कितना मजा आ रहा है। करते हैं, पढ़ ली तो? ओ जी पढ़ तो ली। तो कोई शक शुबा या डाउट? इसमें लिखा है डिग्री का कमीशन 40%, हमारी बात हुई थी 50% इक्वल पार्टनरशिप, तो हमने तो अपना कमीशन कम नहीं करना। मंजूर है तो बोलो। और हाँ जी एक और गल, अब से जो भी गल्ला होंगी फोन पे वो कोड लैंग्वेज में होंगी। ये ना फालतू पुलिस के चक्कर का लफड़ा नहीं चाहिए मैनू। सारी शर्तें लिखी हुई है और अगर सारी शर्तें तुम मान लेते तो मुझे शक हो जाता कि तुम पुलिस वाले हो। पुलिस तो यहाँ हो ना मिया। ये हैदराबाद की पुलिस लखनऊ में क्या कर रही है? पूछो। वायरस शेट्टी जूनियर, चलो तो मैं हैदराबाद के चार मीनार की सैरा कराती। मैडम सर, करिश्मा सिंह। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे हमने वायरस शेट्टी जूनियर को पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। पुष्पा जी ने बताया नहीं आपको? पुष्पा जी ने कब बताया आपने हमें? पुष्पा जी हमने आपसे कहा था कि करिश्मा सिंह को पूरे केस की ब्रीफिंग कर दीजिए। हमने बताने की कोशिश की थी मगर ये सुनती कहाँ है? हमको बताने का मौका ही नहीं दिया। आराम से, सांस फूल जाएगी सर। अरे ओ, मैडम को बुलाओ तुम्हारी। लगता है इस थाने से उनका दिल उब गया है जो बार बार हमें यहाँ बुला लेती है। बुलाओ उन्हें, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बुलाओ। सर जी यही आखिरी लाइन पे थोड़ा ध्यान रखना सर जी, पहले भी दो अटैक आ चुके हैं आपको। और तीसरी की नौबत आई तो समझिए फुल एंड फाइनल गेम ओवर। अरे प्रभु, अरे ये तो हमारे प्रभु है, प्रभु देवा है। अरे इन्हीं के तो कॉलेज में हमने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। अरे प्रभु आज साक्षात हमारे सामने। अरे मैं जो कुछ हूँ आज इनकी वजह से हूँ। अरे चाय वालों है तू। अरे वही तो कह रहे हैं, जो कुछ भी हम आज है इनकी वजह से है। अरे इनके कॉलेज से हमने इंजीनियर की डिग्री ली है और हम ऑफिशियल इंजीनियर बन गए। अरे भैया हम जो है पुल बनाए, 4 महीने का पुल पानी में गिरा और स्विमिंग पूल हो गया। घर वालों को उनके सपनों की बरसी खा गई और हमारे हाथ में चाय की कड़सी आ गई।
ये हमारी तारीफ कर रहा है? फीलिंग तो ऐसे ही आ रही है सर। जस्ट चिल सर, चिल चिल। अरे बहुत सुने ऐसे पागलों के प्रलाप। बुलाइए ना आपकी मैडम को, बुलाइए ना। हम ही हैं यहाँ की मैडम। आप तो किस लिए बुलाया आपने? मिस्टर टुटेजा, आप किसी वायरस शेट्टी जूनियर को जानते हैं? अरे देखिए मैडम, हम ये बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आए। जो भी कहना है जल्दी से कहिए, हमें हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त है, बहुत है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। आप जल्दी से बोलिए जो बोलना है। ए साउथ के डब फिल्मों के विलन कायदे में बाजू में ही खड़े हैं, ज्यादा फैंटम बनने का कोशिश मत करना हमारे सामने। ये तो वो घुसन लगाएंगे ना कि बोलते फिरोगे। दरोगा जी देखे तो बहुत, लेकिन तुमसा नहीं देखा। मिस्टर टुटेजा, जरा अपना हाथ दिखाइए। क्यों? दिखाइए तो। ये हाथ मांग रही है? हाथ देखती होंगी। ओ ये लो। अरे क्या कर रही है आप? अरे ये क्या है, क्या है ये? अरेस्ट हिम। एक मिनट। किस बेस पे आप मुझे अरेस्ट करोगे बताओ? ओ पाजी की हाल। और जी कल तुमको जो अग्रीमेंट दिया था उस पर हमने एक खास तरीके का केमिकल लगाया था जो 2 से 3 दिन तक रहता है। और इस केमिकल के संपर्क में आते ही नीले रंग में उभर कर आता है। लो, इसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना। चील सर, चील। उलिया बदल सकता है मिस्टर टुटेजा, अंदाजे बयान नहीं। शक तो हमें आप पर पहले दिन से ही था, पर अब इस नीले हाथ को देखकर यह साबित हो चुका है कि आप ही हैं वायरस शेट्टी जूनियर, जो इस शहर में चला रहे हैं फर्जी डिग्री का रैकेट। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। चील सर, चील। अरे क्या चील चील है? एक चुटकी बजाऊंगा ना तो चील कौओं की तरह उड़ते हुए नजर आओगे और ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाएगा जहाँ खाने पीने को नसीब नहीं होगा तुम लोगों को, समझ रहे हो तुम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलो। हम तो कुछ किए ही नहीं थे। कोई फायदा नहीं है मैडम सर, कॉन्क्रीट केस नहीं है ना इसके खिलाफ, 2 घंटे में छूट जाएगा। हाँ लेकिन अगर कन्फेशन मिल जाए तो बात है। और वो कन्फेशन आप निकलवाएंगी? हाँ बिल्कुल निकलवा सकते हैं मैडम सर। कैसे? किसी ऊंची बिल्डिंग की छत से उल्टा लटका कर या फिर जीप के पीछे बांध कर पूरे शहर में भगाएंगी? कन्फेशन तो ऐसे ही निकलता है मैडम सर, जो अदालत में 1 मिनट नहीं टिकते। डर का कमाल देखेंगी आप, 10 मिनट दीजिए। कन्फेशन भी निकलवाएंगे और कोर्ट में भी मनवाएंगे। ये हमारे काम करने का तरीका नहीं है। कभी कभी तरीका नहीं, नतीजा देखना भी बहुत अच्छा होता है मैडम सर। ठीक है वो भी देख लेंगे, लेकिन जब तक हम इस मसले के किसी वाजिब हल तक नहीं पहुंचते आप टुटेजा से दूर रहेंगी। करिश्मा मैडम का गुस्सा होना सही था। हाँ तो मुक्का अपने टेबल पे मारना चाहिए था ना, हमारे टेबल पे भोकाल मचाने की क्या जरूरत थी? चाय ले बदनाम। हाँ। अरे पुष्पा जी, ये आप हैं? मैं दूर से देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि किसी खूबसूरत लड़की का इस पुलिस थाने में ट्रांसफर हो गया है और वो यहाँ बैठी है। कमाल है, इस उम्र में भी क्या लगती है आप, बाय गॉड। और एक बात बताऊं आपको, अगर आप किसी को खुद अपनी उम्र ना बताए ना तो कोई गैस कर ही नहीं सकता कि आप 55 साल की, कसम से। 45 के हैं हम। हाँ उम्र ही तो जाननी थी आपकी, जान ली। और सच बात बता रहा हूं, अगर कोई 30-35 साल से ऊपर 1 साल भी बोल देना तो जिंदगी भर खड़े होकर गुलामी करूंगा मैं, उसकी वादा है मेरा। हमको तो 36 की लगती है, 1 साल ज्यादा नहीं। आप करोगे गुलामी हमारी? दूई चाय लेके अभी मलाई मार के। अबे जाना यार, चाय बना, चाय बना।
बिल्लू? हाँ बिल्लू, तुम फिर आ गए? एक चाय दे दा। क्या करूं पुष्पा जी, अब थाने में रहने नहीं देते तो सोचा अपना घर बाहर से ही देख लूं। अभी फिर से रोना धोना शुरू मत करना। हसीना मैडम ने बोला ना तुमको, नहीं मतलब नहीं, जाओ। अरे नहीं कराटे लूंगा, मुझे ले लो। अम्मा बिल्लू जाओ यार। पुष्पा जी आप छोड़िए, काम की बात करते। और बताइए क्या चल रहा है थाने में, कहाँ पहुँचा आपका वो टुटेजा केस? कहाँ पहुँचा, वही का वही है। हमारी हसीना मैडम है ना, समझती नहीं। अरे जहाँ प्यार चलता है वहाँ प्यार चलता है, पर जहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ तो स्ट्रिक्ट हो। करने दो ना करिश्मा मैडम को अपने तरीके से काम। जब जुबान और अकल का कनेक्शन टूटा हुआ हो ना बेटा, तो अपना मुंह नहीं खुला करते। बिल्कुल सही है हसीना मैडम। अरे हर काम करने का एक सलीका होता है ना। तुम्हारी करिश्मा मैडम का क्या है, रायता फैला कर निकल लेती है। समेटना तो हसीना मैडम को ही पड़ता है ना, ऊपर जवाब भी तो उनको ही देना पड़ता है। अरे लेकिन हमारे जज्बात कब समझेंगे? वो सब मुझे नहीं पता। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हर कोई प्यार की भाषा नहीं समझता पुष्पा जी। पर आप तो समझते हैं ना प्यार की जुबान। हाँ समझती हूँ। मेरे क्वार्टर पे ना दो छोटे छोटे पपीज और तीन बिल्लियाँ रहती, तो कब उन्हें भूख लग रही है, पोटी आ रही है, नींद आ रही है, सब अच्छे से समझती हूँ। नहीं खर्चा तो है आप पर, संभाल लेंगे। अरे झूठी है। पता है, तभी तो पी रहा हूं। मैंने सुना है कि झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। किसका झूठा पी रहा है वो तो देख, मेरी झूठी चाय थी। आ बड़ा प्यार, कल से सर्दी खांसी बलगम है। आ बड़ा प्यार, ये देख एक हफ्ते में दांत नहीं मांजे। आ बड़ा प्यार, मुंह में छाले हैं। आ बड़ा प्यार, मेरे फेफड़े में अल्सर है। मेरा झूठा पिएगा तो तेरे फेफड़ा फट जाएगा। आ बड़ा प्यार, चड्डे आ ले ले प्यार, ले ले मेरा चड्डे। अब चड्डे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चड्डे। आ बड़ा प्यार। अरे हम कह रहे हैं एक हार्ट के पेशेंट को आप ना बिना मेडिकल सपोर्ट के जेल में नहीं रख सकते। हाँ मर मरा गए यहीं पे तो। ए चुप, मर मरा गए काहे को मर रही है, हैं? इनकी वर्दी खतरे में आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। उतर जाएगी आप सबकी वर्दियाँ। आराम से। अबे चुप रहे। आराम से। ओ मैडम, हम कह रहे हैं आप अभी ना टूटेजा को जानते नहीं हो। अगर हम अपनी पर आ गए ना तो हम प्रलय मचा देंगे, प्रलय। ये बात समझ लेना यार, हम दिल के मरीज हैं। अगर हमारा डॉक्टर आसपास नहीं होता तो हमें हमें क्या कहते हैं, पैनिक पैनिक अटैक आता है, पैनिक अटैक। मैडम सर, हमको लगता है डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। देखिए ना इनकी तबीयत बिगड़ रही है। देखिए 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 कैसे हाँफ रही है, कितना पसीना भी आया इनको। ये देखो किधर, देख तो नहीं रहा सर। ये बंद नहीं कर सकते क्या तुम? बंद नहीं कर सकते है? एकदम सही कह रही है पुष्पा जी, रामलाल भी बिल्कुल ऐसे ही मरो तो। पहले सांसें फूलने लगी, फिर पूरा शरीर पसीना आते लथपथ है गो। सर धार धार। ऐसे? बिल्कुल ऐसे। वाके बाद दिल धड़ 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 धड़ने लगो और कलेजा मोड़े कुआगो और फिर शरीर में जकड़न अकड़न मकड़न सब एक साथ पैदा है गई। धम्म सीना गिरो जमीन पे। हाँ रामलाल नीचे, बाकी आत्मा ऊपर, कुत्तान की मौत मरो बेचारो। ये रामलाल कौन था? हमारे गली को कुत्ता है तो कुत्तान की मौत मर गो। मैडम जी कम से कम इनके लिए नहीं तो हमारे लिए ही सही, अब तो हमारा दिल भी बैठा जा रहा है। चुप रहे, हमें भी बहुत घबराहट हो रही है सर। तो हमसे ज्यादा हो रही है क्या तुम्हें? अभी बुलाते हैं। बुला रहे बुला रहे बुला रहे। हेलो। हाँ आप देखिए देखिए वो सब बाद में, पहले आप फौरन पुलिस थाना आ जाइए, देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ पर एक हार्ट पेशेंट है जिनकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। कभी भी निकल सकते हैं मैडम। अरे काय को निकलेंगे सर, फुल एंड फाइनल तीसरा है। अरे बुलाइए प्लीज जल्दी से, बुलाइए तीसरा। जीते जी मैडम सर, जरा जल्दी से उन्हें भी बुलाओ, कहो कि प्रसाद खाना है तो आ जाए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जी मैडम सर। प्रसाद? कौन सा प्रसाद? यारी फटेगो ये आदमी तो फटेगो, स्वाभाविक रूप से फटेगो भाई साहब, कोई ना बचा सके यार। अरे मशीन लगाता ही पारो 150 पे पहुंच गए भैया, ये आदमी तो फटेगो भाई साहब। एक काम करो अपनी फैमिली को फोन करके बुला लो, अंत समय में परिवार वाले ही काम आवे और दूसरों कोई काम ना आवे भाई साहब।
चीती ये क्या बोल रहे हो तुम? सुन सुन सुन, फैमिली वाले को बोलो कि आते वक्त अर्थी को इंतजाम करते हुए आए, बाद में समय नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हो? समय नहीं मिलेगा, फटेगो ये आदमी, फटेगो ये, फटेगो, ढाई सौ मशीन फाड़ के निकल जाएगा। भाई साहब मेरी बात सुनो, बंदा जाने वालों है, होने वाली डेड बॉडी के दर्शन कर लो। अरे नहीं, राम नाम है। हे भगवान, इनकी आत्मा को शांति देना। चुप चुप चुप। हसीना जी, हमारे डॉक्टर को बुलाओ। पेशेंट का है हसीना जी, पेशेंट का है, पेशेंट। ये आपको पानी पूरी वाला दिख रहे हैं? हाँ। अरे सर आप, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर आप बताइए, आप क्या यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं एक दूसरे को? जी बिल्कुल, इन्हीं के मेडिकल कॉलेज से डिग्री लिया मैंने डॉक्टर की। ओह रियली? अब तो पक्का गए। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये किसे बुला लिया मेरी जान बचाने के लिए? नहीं बचूंगा, ऐसे भेज दो, मुझे कोई और डॉक्टर बुलाओ, कोई और डॉक्टर बुलाओ। देखिए वो तो नहीं हो सकता, वक्त बहुत कम है, आपकी तबीयत खराब होती जा रही है, इन्हें करने दीजिए इलाज। अरे नहीं कर सकता। अरे पर क्यों ना कर सके? आप क्या खड़े खड़े देख रहे हैं, जाइए इलाज कीजिए, जाइए जाइए जी। नहीं नहीं, इससे जल्दी जल्दी, ये मार डालेगा हमें, ये हमें मार डालेगा। अरे क्या चील, अच्छे से चेक करना। हाँ पकड़िए, ये देखो दबाइए। हैं? देखो आप, देखो मुझसे दबा रहा है, मुझसे पकड़वा रहा है ये। और ये हार्ट यहाँ नहीं, हार्ट यहाँ पे होता है लेफ्ट में। डॉक्टर कौन है? आ रहा हूँ ना धीरे धीरे वहां पे। अरे तब तक तो मैं लुढ़क जाऊंगा, ऊपर चले जाऊंगा यार, समझते क्यों नहीं हो? अरे इंटरनेट पे चेक कर रहा है मेरी जान बचाने के लिए, ये कैसे मुझे बचाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक। मैडम इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा? हाँ, परसों मैंने एक मूवी में देखा था, इलेक्ट्रिक शॉक देने से सब ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए ना पावर रेगुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए पावर प्लग चाहिए। अंदर है एक। अरे तू चुप करेगा? अरे सर आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तीसरा है। और इसके लिए ना किसी इंजीनियर की भी जरूरत है। है ना? है है। मेरी भगवान, मेरी मन की मुराद पूरी कर दी, अब भी देता हूँ करंट। अरे क्यों आप लोग मुझे मरवाने पे लगे हो, मेरे पल्स रेट बढ़ती जा रही है, मैं मर जाऊंगा। संतू जी आप छूलो वैसे ही करंट पे मर जाए आदमी। अब घबरा क्यों रहे है? तो ये दोनों डॉक्टर इंजीनियर ही ना, वो भी डिग्री के साथ। अरे इनकी डिग्री भी फर्जी है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। मैंने दी है डिग्री, मैंने दी है इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री, 30-30 लाख रुपए लेकर के। ये आप सुनना चाहती थी ना, ये हमारे मुंह से निकलवाना चाहती थी ना आप। सुनिए, पैसे लेकर के ऐसे ऐसे अनपढ़ गवार इंजीनियर और डॉक्टर की फर्जी डिग्री बना करके देने का धंधा है हमारा, गैर कानूनी। इसमें मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ और भी कई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मैडम जी अब जाके इस बात का एहसास हुआ जब अपनी जान पर आ बनी कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं। डॉक्टर को लेके आ रहा हूं। ये गैर कानूनी धंधा बंद करवाने में और जड़ से उखाड़ने में हम आपका पूरा साथ देंगे, इस बात का वादा है। आपसे विनती है, हमारे डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। चीता आपकी डॉक्टर यही है, ये पूरा टाइम यहीं पर थे, दूसरे कमरे में बैठकर आपको मॉनिटर पे ऑब्जर्व कर रहे थे। चील सर जी चील। ये भाई साहब अंदर बैठे बैठे भी 25 बार चील चील कर दिए। आपको कुछ नहीं हुआ, ये जो कुछ भी है सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड है। और हाँ, खुशी इस बात की है कि कम से कम आपको इस बात का एहसास तो हुआ कि आप ऐसे अनक्वालिफाइड नॉन डिजर्विंग लोगों को नकली डिग्री देकर कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे थे जी। और मिस्टर इमरान आप पर तो मुझे तभी शक हो गया था जब आपने फेक डिग्री का करेक्ट रेट बताया था। क्या है ना, आजकल डॉक्टर की डिग्री के रेट बढ़ गए, आजकल डॉक्टर की डिग्री के 30 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। आपको कैसे पता? अरे छोड़िए वो सब। और दूसरी बार तब शक हुआ था जब हमने आपसे फूड पॉइजनिंग की दवाई मांगनी और आपने हमको एसिडिटी की दवाई दी। करिश्मा सिंह जी, मैडम सर, इनके खिलाफ भी रिपोर्ट बनाइए। और आप घबराइए नहीं, आपका ये कारनामा हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। सनी जी, मैडम सर, हो गया सब कुछ रिकॉर्ड, एक सेकंड एंगल सेट कर लीजिए।
तो बताइए किसे देना चाहेंगे आप इस केस की कामयाबी का श्रेय? सभी को। कामयाबी किसी एक की नहीं होती, हमारे पूरे स्टाफ की मेहनत लगी है यहाँ पर। खुशी इस बात की है कि एक बार फिर से हमें ये साबित करने का मौका मिला कि मुजरिम को सिर्फ सजा दिलाना काफी नहीं है, एहसास दिलाना भी जरूरी है। और ये काम मारपीट कर नहीं, जज्बातों से झंझोड़ कर किया जाता है। सच कहें तो इस केस की असली हीरो है इंदुलेखा, जिन्होंने आवाज उठाई गलत के खिलाफ और इस लड़ाई में उनका साथ देने का हमें मौका दिया। पुलिस वाले भी आम जनता से यही कहना चाहते हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हिम्मत कीजिए और आवाज उठाइए, हम हैं आपके साथ हमेशा, हर जगह, हर वक्त। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.